केरला स्टोरी ने जो है ना एक एक बदशकल नंगा सच दिखाया है मुसलमानों का, जिस तरह से द कश्मीर फाइल ने एक नंगा बदशकल सच दिखाया था मुसलमानों का, उसी तरीके से इस मूवी ने भी एक एक बदशकल एक अगली ट्रुथ दिखाया है मुसलमानों का, और मुसलमानों को दर्द होगा, मुझे पता है कि दर्द होगा। यह है मुसलमान मर्दों का रियल सच्चाई, नंगा सच्चाई, बदशकल सच्चाई, पर यही है सच्चाई। जब चाहते हैं शादी निकाह करते हैं, और जब चाहते हैं तलाक दे देते हैं, जब चाहते हैं पॉलीगेमी कर लेते हैं, और जब चाहते हैं हलाला कर लेते हैं। कहते हैं कुरान ने कहा, कहते हैं कि मेरी माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और बेटा सेक्स चिट चैट करता है, कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो बहुत पाकीजा है, आपकी माँ की इज्जत है और दूसरे की बेटियों की इज्जत नहीं है। वाह रे वाह, ऊपर छत्ते पर माँ नमाज पढ़ रही है और नीचे बेटा खड़ा होकर के दूसरे गली मोहल्ले के लड़कों के साथ दूसरी दूसरी बेटियों की इज्जत उतार रहा है। इसलिए ये गलत दिखाया गया है। आप एक दिखाइए कि किसी मुसलमान ने बलात्कार किया है, आप एक दिखाइए कि किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को तलाक दिया है, आप एक ऐसा मुसलमान दिखाइए जो घर में बीवी होते हुए भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखा है, आप एक ऐसा मुसलमान दिखाइए जो कई लड़कियों के साथ ओयो रूम में जाकर के सेक्सुअल रिलेशन नहीं किया है, पर किया है। हम कैसे कहें कि झूठ है? से शादी किया हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने, यतीम से शादी किया हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने, अपने उम्र से 15 साल की बड़ी लड़की से शादी किया, आप क्यों नहीं करते? अरे फलाना लड़की जीन्स पहन के निकली थी, अरे वो लड़की का और भी दो बॉयफ्रेंड था, अरे वो लड़की देखो देखो देखो, वो लड़की जो है ना फलाने की बेटी है, मुसलमान है, देखो उसका ना दो तीन पहले बॉयफ्रेंड था, उसके साथ इसके सेक्सुअल रिलेशन थे, अभी रिश्ता लग गया, अभी शादी होने वाली है। अरे 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 अरे, ये लड़की तो पता है बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, आपको पता है ये कितने मंत्रियों के साथ सोई है, बिना मंत्री के साथ सोए इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है। तो ये होती है कॉन्वर्सेशन, ये होती है गॉसिप मुसलमान लड़कों की, पाड़ा मोहल्ला गली कूचा एरिया। हम तो रोज देख रहे हैं तलाक का केसेस, हम तो रोज देख रहे हैं कि बेटियां जो है अपने बच्चों को गोदी में लेकर के सिसकती हुई रोती हुई आ रही हैं कि फलाना मोहम्मद ने हमको तलाक दे दिया, फलाना फलाना मूसा ने हमको तलाक दे दिया। आप ऐसे नामों की बदनामी कर रहे हैं जिसको कुरान ने इतना आला दर्जा दिया था। आप नाम तो रखते हैं ईसा और मूसा और मोहम्मद, लेकिन आप तलाक देने से पीछे नहीं हटते हैं, आप लड़कियों को बेआबरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, आप नाम रखते हैं अकबर और आप करते हैं बलात्कार। Exactly. आप जैसे 90% मुसलमानों की वजह से हम जैसे 20% मुसलमानों को अपनी नजर और अपना सर झुकाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हाँ ऐसी मूवी दिखानी चाहिए। तुम हमको कुछ नहीं बोल सकते हो, पर हम बोलेंगे। ये नया हिंदुस्तान है, ये डिजिटल हिंदुस्तान है, हम बोलेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता है। और सिनेमा एक ऐसी चीज है जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से कड़वा सच सही तरीके से बड़े बड़े पर्दों पे दिखाया जा सकता है। देखिए हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तान एक ऐसे सिचुएशन पर आया है जिसको करण जौहर के डोलने नाचने और छोटे छोटे कपड़े वाली मूवी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। करण जौहर वाला प्यार मोहम्मद चुम्मा चुम्मी वाला मूवी अब जनता को नहीं पसंद है। हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को हिस्टोरिकल मूवी पसंद है। अपने अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए ये अनुमति, ये अधिकार आपको किसने दिया है कि वो लड़की अगर हिंदू है तो आप उसको बिस्तर पर इस्तेमाल कीजिए? ये अधिकार आपको कुरान ने दिया है? अगर कुरान ने दिया है तो पारा नंबर बताइए, वर्सेस नंबर बताइए। अरे प्रोस्टिट्यूट कहीं की ऐसे बोली है, ऐसे बोलेगी तो देख लेंगे, तेरे घर घुस के तेरा रेप कर देंगे। दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। इसी मूवी की एक क्लिपिंग आई थी जिसमें अदा शर्मा जो है, जो एक्ट्रेस है, उन्होंने हिजाब पहन करके लोगों से विनती कर रही थी कि मुसलमान लड़कियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, मुसलमान लड़कियों को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तब ये वायरल करवाने वाले यही मुसलमान लड़के लोग हैं, यही मुसलमान सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वायरल करवाया था। और जब इन्होंने ये पूरी पिक्चर देखी तब इनके कलेजे में दर्द और हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ कि अरे ये तो हमारा सच बोल दिया जा रहा है, ये तो वो बातें बताती जा रही है जो हमने आज तक छुपा कर रखने की कोशिश की गई है। मुसलमान मर्दों के दिमाग में ये चीज क्यों अटी बैठी है कि हम हिंदू लड़कियों के जिस्म के साथ खेल सकते हैं, हम हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उसको फोर्स कर सकते हैं कि जो बच्चा होने वाला है वो मुसलमान धर्मों को ही मानेगा, मुसलमान रिचुअल्स को ही मानेगा। अगर माँ हिंदू है और माँ का और कुरान कहता है कि बच्चे की पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है, तो क्यों नहीं वो रामायण मानेगा, क्यों नहीं? औरतों के साथ ये हुआ है, उसमें से एक निशा फातिमा ने अपना बयान खुद दिया है,
जिन औरतों के साथ हुआ है उनमें से कई औरतें खुद सामने आई हैं और उन्होंने कैमरा फेस किया है, और यहाँ हिंदुस्तान के और बाकी बाहर बाहर के भी कई चैनल्स पर उन लोगों ने बताया है कि ऐसा हुआ है उनके साथ। तो अब जो पीड़िताएं हैं, जो विक्टिमाइज्ड, हर जगह उसके चर्चे हो रहे हैं, पब्लिक रिव्यूज लिए जा रहे हैं, वहां बहुत ही बड़ी बड़ी तादाद में उसको सिनेमा हॉल्स में देखने भी जा रही है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इसका जिक्र किया जा रहा है। उसी के बारे में आज हम नाजिया जी से बात करेंगे। पहले तो नाजिया जी मुझे बताएं, आपने मूवी देखी, आपका क्या रिव्यू था देखने के बाद, कैसी लगी आपको? आंखों में आंसू था, गूजबम्स हो गए थे। और द कश्मीर फाइल तो एक ऐतिहासिक मूवी रही है, जब उसको भी देखने हम बैठे थे तो बीइंग अ मुस्लिम भी मतलब एक अजीब सा एक बदनुमा शक्ल से नजर आया कि मुसलमान जो सुन्नह मानने वाले होते हैं, जो कुरान पर चलने वाले होते हैं, जो खुद को कहते हैं कि इस्लाम में बहुत पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही गई है, फॉरगिवनेस की बात की गई है, हेल्प की बात की गई है, वो लोग ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं, उसका नंगा सच हम लोगों ने द कश्मीर फाइल में देखा। और जब मैंने द केरला स्टोरी देखी तो उसमें भी एक नंगा बदनुमा बदशकल मुसलमानों का सच नजर आया, जो टेररिज्म के नाम पर ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, ना जाने कितनी लड़कियों के आत्मसम्मान के साथ खेल चुके हैं, ना जाने कितनी लड़कियों के इमोशन के साथ खेल चुके हैं। ये एक अगली ट्रूथ है मुस्लिम कम्युनिटी का, जो शायद ऐसा आपको लग रहा है कि क्योंकि आप मुस्लिम कंट्री में रह रही हैं तो आपको लग रहा है कि हम नहीं दे आप नहीं देखती हैं, पर हम हर रोज देखते हैं, हर रोज। ओके नाजिया जी, यहाँ पे मेरी जो ऑडियंस जिन्होंने नहीं देखी है, देखी तो ऑलमोस्ट सबने होगी, जिन्होंने मूवी नहीं भी देखी ट्रेलर जरूर देखा होगा, तो उनको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये मूवी बेसिकली कन्वेयन ऑफ रिलीजन, लव जिहाद और इस टाइप की चीज़ों के बारे में है, जिसके अंदर बहुत सारी जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ये पास्ट हिस्ट्री को लेके बनाई गई है, बहुत सारी जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ये फिक्शन है, लेकिन हमारे सामने एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर इस मूवी के सीएम ने ये बात की है, पिनल विजयन का नाम है, कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। मुझे बताएं, सीएम ऑफ केरला ने ये बात की है, मुझे बताएं नाजिया जी, इस स्टेटमेंट को देखते हुए आप क्या कहेंगी कि सीएम वहां उस सिटी के सीएम ने जो बात कही है इसमें कितना सच और कितना झूठ है? इतिहास को देखिए, कोई नहीं चेंज कर सकता है। अगर ये मूवी एक्चुअली में फिक्शन होती या इस मूवी से अगर कोई कॉन्ट्रोवर्सी जो मुसलमानों के विरोध में जा रही होती या इस मूवी में अगर कोई सच्चाई ना रही होती, तो केरला हाई कोर्ट ने इस मूवी के अगेंस्ट में जो पिटीशन और प्ली जो रिट पिटीशन जो पीआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल हुए थे उस पर स्टे लग चुका होता। शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक इंटरफेरेंस अपना दिखाया होता, शायद जितने भी स्पेशल ब्रांच हैं, क्राइम ब्रांच है, शायद जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज हैं, उन्होंने भी अपने इंटरफेयर और अपनी नेगेटिविटी दिखाई होती, या आपके सेंसर बोर्ड जो सिनेमा के जो सेंसर बोर्ड्स होते हैं उसमें भी रूल एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी काफी काफी चीजों को डॉक्यूमेंटेशन तरीके से उसको पास कराना पड़ता है। तो शायद सेंसर बोर्ड में ही ये मूवी रुक जाती अगर वाकई में ये मूवी झूठ पर आधारित होती या किसी तरीके का एक प्रोपगंडा के आधारित होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज ये मूवी इस पूरी दुनिया के सिनेमा घरों पर दिखाई जा रही है और लोग बहुत ही अच्छे से इस मूवी को देख रहे हैं और बहुत इमोशनल बाहर निकल रहे हैं। ये तो आज सुबह की भी न्यूज है कि भाई लोगों ने ये तो जनता का कहना है, जो लोग देख रहे हैं इस मूवी को उस मूवी से हॉल सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद कह रहे हैं कि एक ऐसी सच्चाई के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है जो शायद आम लोगों की नजरों से ओझल था, जो शायद आम नजरें जो है उसको देखती थी पर इस तरीके से एक सही से सजा हुआ तरीके से नहीं देख पाती थी। तो ऐसा तो कोर्ट ने कोई इंटरफेरेंस करके इस मूवी को स्टे करने की जरूरत महसूस नहीं की, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या चाहे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट्स हो, या डॉक्यूमेंटेशन तरीके से ये मूवी कंट्रोल में नहीं आई, ये मूवी रोकी नहीं गई। देखिए, जिन औरतों के साथ ये हुआ है उसमें से एक निशा फातिमा ने अपना बयान खुद दिया है, जिन औरतों के साथ हुआ है उनमें से कई औरतें खुद सामने आई हैं और उन्होंने कैमरा फेस किया है, और यहाँ हिंदुस्तान के और बाकी बाहर बाहर के भी कई चैनल्स पर उन लोगों ने बताया है कि ऐसा हुआ है उनके साथ। तो अब जो पीड़िताएं हैं, जो विक्टिमाइज्ड हुई हैं, क्या वो भी झूठ बोल रही हैं?
क्या नाजिया जी, इसमें इसमें ना हमें दो तरह के सिनेरियोस देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये बता रहा है कि ये टोटली फिक्शन बेस्ड है जो मैंने पहले बताया। दूसरी ये चीज जो कि इनके डायरेक्टर ने भी मूवी की तस्दीक की है कि ये रियल बेस्ड स्टोरी है, ये एक्चुअल में सारी चीजें हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं और करंट सिनेरियोस में भी देखने को मिलती हैं। उनके आधार पे हमने ये मूवी तैयार की है और लोगों के सामने एक नक्शा खींच के रखा है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इसमें रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह पीके आई थी या जिस तरह अभी शाहरुख खान की मूवी आई है, इस तरह की मूवीज या जिस तरह अभी ये द करेला स्टोरी आई है, इस तरह की मूवीज जो है हिंदू रिलीजन को डिग्रेड कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये मुस्लिम्स की रियलिटी को दिखा रही है। तो इन दोनों का एनालिसिस एट द सेम टाइम कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स को हम पसंद नहीं करते हैं। अगर वो कोई भी कितना भी बड़ा अदाकार हो या अदाकाराएं हो या जितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, ऐसी मूवीज को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो जिसमें एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिखाए जाते हैं या जिस एक्टर और एक्ट्रेस ने एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स कैमरा के सामने पहले कभी या बाद में दिया होगा। देखिए, पीके यहाँ पर बहुत हिट हुई थी। आमिर खान की जो पीके थी वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत प्रशंसा की गई थी और लोगों ने उसको बहुत सराहा था और बॉक्स ऑफिस पर बहुत धूम मचाया था पीके मूवी ने। उसके बाद द कश्मीर फाइल आई, तब उसमें उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए। बहुत लोग उस पे कहने लगे कि नहीं, मुसलमानों के सच को आप नहीं दिखा सकते हैं। तो भाई, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मुसलमान कुछ गलत करे तो उसकी सच्चाई हम नहीं दिखा सकते हैं, या मुसलमान अगर बलात्कार करे तो हम उसको बलात्कारी नहीं बोल सकते हैं, मुसलमान अगर टेररिज्म अटैक करे तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं। ये तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा संविधान का आर्टिकल 14, 19, 17, 21 हमें इस चीज की अनुमति देता है, हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत। हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई हैम्पर नहीं कर सकता है। आप देखिए, 32,000 लड़कियों के साथ, मुझे लगता है इससे ज्यादा ही होंगी। और रही बात के रिसेंटली या हमने अभी अचानक से ऐसी कोई बात रख दी है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में जब आप आइएगा तो आप किसी भी शहर, किसी भी स्टेट में, किसी भी टाउन में जाइएगा, जिस घर में भी दो या तीन बेटे होते हैं, मुसलमान के घर में एक बहू हिंदू होती है, एक बहू हिंदू होनी ही होनी है, एक बहू क्रिश्चियन या नेपाली होनी ही होनी है। ये एकदम मैंडेटरी है, ये लिखा हुआ है, ये जैसे सुनना है, नाउजु बिल्ला, जैसे ये सुनना है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखा है कि देखो, तुम्हारे पेट से अगर तीन बेटे निकल रहे हैं तो तुम्हारे घर में एक बहू हिंदू आनी ही आनी है या एक बहू नेपाली आनी ही आनी है। ये हिंदुस्तान में ट्रेंड है। अब आप सोचिए, शाहरुख खान ने क्या हिंदू से शादी नहीं की? सलमान, आमिर खान ने क्या हिंदू से शादी नहीं की? उन्होंने तो एक नहीं, दो दो तीर मारा था। तो यहाँ पर जितने भी बॉलीवुड के अदाकार हैं वो भी हिंदुओं से शादी किए हैं और बहुत बहुत मतलब प्राउडली कहते हैं कि हमने ऐसा किया है। लेकिन साथ ही साथ अगर सूरह अल बकर के वर्सेस 221 में जाया जाए तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि भाई, हिंदुओं से या गैर मजहब से शादी करना सख्त ममानियत है, ये हमारा कुरान कहता है। ये तो हमारा कुरान कहता है ना। हमारे कुरान ने कभी भी जना का, बलात्कार का, मोलेस्टेशन का कोई भी अनुमति नहीं दिया है। पर बलात्कार में अगर देखा जाए तो इंडिया फोर्थ पोजिशन पर आता है क्राइम में। क्राइम अगर इंडिया के क्राइम का लिस्ट निकाला जाए तो फोर्थ पोजिशन पर रेप है, फोर्थ पोजीशन पर रेप है। और 60% प्रिजन, 60% अक्यूज्ड, जो जितने भी मतलब मान लीजिए 100 अक्यूज अगर पूरे इंडिया में जेल में है तो 60 अक्यूज रेप की सजा खट रहे हैं। और वो 60 के 60 मुसलमान क्यों है? वो 60 के 60 मुसलमान क्यों है? 60% मुस्लिम अक्यूज हैं जो रेप की सजा जेल के अंदर खट रहे हैं। तो क्या ये आंकड़ाएं भी गलत हैं? क्या हर रोज जो हम सुनते हैं कि भाई फलाना मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार मोहब्बत करके भगा के शादी कर ली, फलाना मुस्लिम लड़के ने फलाना हिंदू लड़की से प्यार मोहब्बत कर लिया और फिर उसको छोड़ दिया, उससे शादी नहीं की, सेक्सुअल रिलेशन किया पर उससे शादी नहीं की? तो देखिए, बेटियां तो हर घर के लिए दुर्गा और काली ही होती है, बेटियां तो हर घर के लिए माँ लक्ष्मी ही होती हैं, बेटियां तो हर घर में हम बहुत ऊंचे दर्जे से ही नजरों से देखते हैं।
तो आखिर मुसलमान मर्दों के दिमाग में ये चीज क्यों अटी बैठी है कि हम हिंदू लड़कियों के जिस्म के साथ खेल सकते हैं, हम हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उसको फोर्स कर सकते हैं कि जो बच्चा होने वाला है वो मुसलमान धर्मों को ही मानेगा, मुसलमान रिचुअल्स को ही मानेगा। अगर माँ हिंदू है और माँ का और कुरान कहता है कि बच्चे की पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है, तो क्यों नहीं वो रामायण मानेगा, क्यों नहीं वो भगवत गीता मानेगा, क्यों नहीं वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, क्यों नहीं वो राम भगवान की पूजा करेगा, क्यों नहीं वो दुर्गा माँ को अंजलि देगा। अगर माँ की पहली गोद बच्चे की माँ की गोद होती है, पहली दर्जगाह, तो दर्जगाह में तो वो माँ से हिंदू घर से आई है तो हिंदू चीजें ही सीखेगा ना। अब आप एक हिंदू लड़की को एक अलग कास्ट, एक अलग रिलीजन, एक अलग कल्चर की लड़की को लेकर आते हैं और आप उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई तुमने नमाज पढ़ना है, तुमने सास की जिम्मेदारी करनी है, तुमने बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, और वो बच्चा मुसलमान हो जाएगा लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप पार्शियलिटी मुसलमान दाढ़ी टोपी वालों का देखिए, मुसलमान लड़के भारी तादाद में हिंदू लड़कियों से, नेपाली लड़कियों से शादी करते हैं, पर मुसलमान लड़कियां अगर हिंदू लड़के से या किसी और रिलीजन के लड़के से या किसी सिख से, किसी ईसाई से, किसी क्रिश्चियन से, किसी यहूदी से अगर शादी करने की सोच भी लेती है तो उसको खड़े जहन्नमी बोल दिया जाता है। आखिर ये सारा दबाव, ये सारी पार्शियलिटी, ये सारे एक्सक्यूजेस, ये सारे रिचुअल्स, ये सारे सुन्नाह, ये सारी आयतें, ये सारे कुरान की बातें सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों थोपे जा रहे हैं, कि सिर्फ लड़कियों को ही पे ही क्यों जायज करार दिया जा रहा है। कहा जाता है सारे मुसलमान के जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि एक खानदान की बेटी का इज्जतदार होना बहुत सही अच्छा होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एक इज्जतदार घर के बेटे का भी इज्जतदार होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे दाढ़ी टोपी वाले भूल क्यों जाते हैं? तो द केरला स्टोरी ने जो है ना एक बदशकल नंगा सच दिखाया है मुसलमानों का, जिस तरह से द कश्मीर फाइल ने एक नंगा बदशकल सच दिखाया था मुसलमानों का, उसी तरीके से इस मूवी ने भी एक बदशकल, एक अगली ट्रुथ दिखाया है मुसलमानों का, और मुसलमानों को दर्द होगा, मुझे पता है कि दर्द होगा। नाजिया जी, इस मूवी को लेके इसके रिलीज होने से पहले, इसका ट्रेलर जब रिलीज हुआ तभी कहा जा रहा था कि ये सोशली बहुत ज्यादा जो है वॉयलेशन बन सकती है, ये मूवी बहुत सारे चीजें खराब कर सकती है सोसाइटी के अंदर, बहुत सारा फसाद फैला सकती है, इस वजह से करंटली इस मूवी को रिलीज ना होने दिया जाए। बट स्टिल इतनी सारी जो है चीजें सुनने के बाद, इतनी ज्यादा स्टेटमेंट आने के बावजूद इस मूवी को रिलीज किया गया, तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं इसमें भी आपको एक डायबॉलिक शैतानी दिमाग मुसलमानों को मैं बताना चाहूंगी जरूर। इसकी सबसे पहली एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की जो है, जो उसमें एक्ट्रेस है आदा, उन्होंने नकाब पहन करके ये कहा है कि यहाँ पर मुसलमान लड़कियों का बहुत खतरा है, यहाँ पर मुसलमान लड़कियों को बहुत परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ वहां पर एक डायलॉग दिया था जिसको मुसलमान लड़कों ने हिंदुस्तान में बहुत वायरल करवाया था। मुसलमान लड़कों ने, मुसलमान मर्दों ने उस क्लिपिंग को बहुत वायरल करवाया था, क्योंकि उस वक्त हिजाब का एक सिनेरियो चल रहा था, जो हिजाब के केसेस चल रहे थे, बहुत कंट्रोवर्शियल हिजाब की बात चल रही थी, काफी केसेस भी चल रही थी, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। उसी सिनेरियो में उस इसी मूवी की एक क्लिपिंग आई थी जिसमें अदा शर्मा जो है, जो एक्ट्रेस है, उन्होंने हिजाब पहन करके लोगों से विनती कर रही थी कि मुसलमान लड़कियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, मुसलमान लड़कियों को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तब ये वायरल करवाने वाले यही मुसलमान लड़के लोग हैं, यही मुसलमान सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वायरल करवाया था। और जब इन्होंने ये पूरी पिक्चर देखी तब इनके कलेजे में दर्द और हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ कि अरे ये तो हमारा सच बोल दिया जा रहा है, ये तो वो बातें बताती जा रही है जो हमने आज तक छुपा कर रखने की कोशिश की गई है, ये तो वो बातों को जनता के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है जो हम घर घर के अंदर कर रहे हैं, जो हम अपने अपने घरों में छुप छुप करके कर रहे हैं, ये तो उन गली कूचों और उन मोहल्लों की बातें निकाल दी जा रही है जहां लड़के अड्डा मार करके दूसरे दूसरे घर की लड़कियों को बेआबरू और बेइज्जत अपने फोन के चैट पर करते हैं, ये तो वो बातें सामने आ जा रही है, इसलिए मुसलमानों को दर्द स्टार्ट हुआ है। आज देखिए, आप हिंदुस्तान में आइएगा, आप जितने भी हिंदू एरिया में जाइएगा, वहां पर अगर लड़के चाय की दुकान में खड़े होते हैं तो वो इकोनॉमिकल ग्राफ के बारे में बात करते हैं,
वो अपने आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं, वो अपने करियर के बारे में बात करते हैं, वो अपने प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, वो अच्छी अच्छी बुरी अच्छी चीजों और बुरी चीजों के बारे में बात करते हैं, वो अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। पर आप किसी भी स्टेट के, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में जाइएगा, अरे फलाना लड़की जीन्स पहन के निकली थी, अरे वो लड़की का और भी दो बॉयफ्रेंड था, अरे वो लड़की देखो देखो देखो, वो लड़की जो है ना फलाने की बेटी है, मुसलमान है, देखो उसका ना दो तीन पहले बॉयफ्रेंड था, उसके साथ इसके सेक्सुअल रिलेशन थे, अभी रिश्ता लग गया है, अभी शादी होने वाली है, अरे 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 ये लड़की तो पता है बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, आपको पता है ये कितने मंत्रियों के साथ सोई है, बिना मंत्री के साथ सोए इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है। तो ये होती है कॉन्वर्सेशन, ये होती है गॉसिप, मुसलमान लड़कों की पाड़ा मोहल्ला गली कूचा एरिया में ये होता है, ये करते हैं मुसलमान लड़के। सोशल मीडिया पर आप देखिएगा जितनी भी गालियां देते हैं मुसलमान लड़के देते हैं, जितनी भी वाहियात से वाहियात गालियां देते हैं वो मुसलमान लड़के देते हैं। कल मैंने एक चैनल पर इसी द केरला स्टोरी के बारे में कहा है एंड आई हैव प्रूफ के मुझे तीन मुसलमान लड़कों ने पूरा रंग दिया है कि मेरा बेटा नाजायज है। मैंने 10 मर्दों के साथ सो करके अपने बेटे को पैदा किया है, ये मुसलमान लड़के कह रहे हैं। आरिफ इस्लाम, मोहम्मद मोइन, तो मोहम्मद ये, तो मोहम्मद वो, ये मुसलमान लड़के कर रहे हैं। वो आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रहे हैं, वो कन्फ्रंटेशन में नहीं जा रहे हैं, वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है, एज पर लीगल वो सही बोल रही हैं या वो गलत बोल रही हैं। उनके जुबान पर गालियां हैं कि हमने इसे सिर्फ गाली देनी है, तो क्या कुरान इस चीज की इजाजत देता है? भाई आप कितनी मूवीज को आप ना करिएगा, आप कितने बयान को ना करिएगा, आप कितने आंकड़े को ना करिएगा, आप कितने ग्राफ को ना कीजिएगा अपनी गालियां दे करके। अगर मुसलमान कौम ऐसा बन चुका है तो उसको साबित करने से कोई पीछे नहीं हटेगा। बीइंग अ मुस्लिम मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। महविश आप पाकिस्तान में बैठी हूं और आपका आपकी न्यूज जितनी बार भी दिखाई गई है मेरे मेरे फेसबुक पेज पर, आप उसके कमेंट्स पढ़िए, मुझे और आपको गालियां देने वाला सबसे ज्यादा मुसलमान है, ये सनातनी और हिंदू नहीं है। उनके समझाने का तरीका अलग होता है कि नाजिया जी आपने यहाँ पर ऐसे बोला, यहाँ पर ऐसे बोलना चाहिए था, या महविश जी आपने यहाँ पर ऐसे बोला, यहाँ पर ऐसे बोलना चाहिए था। अगर यही यही चीज मुसलमान कैसे बोलेगा, अरे प्रोस्टिट्यूट कहीं की ऐसे बोली है, ऐसे बोलेगी तो देख लेंगे, तेरे घर घुस के तेरा रेप कर देंगे। This is the exact language of Muslim in India. This is the real upbringing in India. मुसलमानों की reality, मुसलमानों की upbringing, मुसलमानों का exact nature, behavior, आज के युवाओं युवा मुसलमानों का exact nature, behavior यही है same यही है। और अगर truth दिखाया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ सच में हिंदू लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में लड़के फंसाते हैं, यहाँ सच में प्यार मोहब्बत और शादी का बहाना दे करके उनको झूठा दिलासा दे करके हिंदू लड़कियों को वो ओयो रूम में लेकर जाते हैं, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन करते हैं, कुछ शादी कर लेते हैं, कुछ शादी नहीं करते हैं, उनसे सिर्फ जिस्मानी रिश्ता रखते हैं अपनी ठरक पूरी करने के लिए, अपने अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। ये अनुमति, ये अधिकार आपको किसने दिया है कि वो लड़की अगर हिंदू है तो आप उसको बिस्तर पर इस्तेमाल कीजिए? ये अधिकार आपको कुरान ने दिया है? अगर कुरान ने दिया है तो पारा नंबर बताइए, वर्सेस नंबर बताइए। यहां हिंदुस्तान के हर मुसलमान के गली कूचों में आप सिर्फ चले जाइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि मुसलमान लड़कों की गॉसिप क्या होती है और मुसलमान मर्दों की गॉसिप क्या होती है। यहाँ 50-50 साल का बूढ़ा आदमी 14 साल की 15 साल की लड़कियों को गलत नजरों से देखता है। यहाँ आप जुवेनाइल रेप केस के कटघरे को जाकर के देखिएगा, बूढ़ा बूढ़ा 50 साल का 60 साल का बुड्ढा, क्या नाम है मोइनुल हक, क्या नाम है इस्लामुल हक, क्या नाम है कादरुल हक, और किस लिए खड़ा है? तो बच्चों के बलात्कार के सजा में खड़ा हुआ है डॉक पर। मैं जानती हूं कि मुसलमानों का ये बदशकल सच है, पर सच तो सच होता है ना, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। प्यार मोहब्बत के जाल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, सबसे ज्यादा। मणिपुर और मणिपाल से जितनी लड़कियां आती हैं, जितनी लड़कियां हमारे नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, सारी लड़कियों को ये मुसलमान लड़के यूज करते हैं, सेक्सुअली यूज करते हैं, प्यार मोहब्बत का जाल में फंसा फंसा करके यूज करते हैं। और द केरला स्टोरी में यही दिखाया गया है कि लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया गया है और फिर उनको टेररिज्म में उतारा गया है,
इमोशनली ब्लैकमेल करके उतारा गया है और उनसे टेररिज्म कराने की पूरी पूरी कोशिश की गई है. तो दिस इज द फैक्ट, दिस इज द एक्चुअल न्यूड फैक्ट नाजिया जी. लेकिन केरला के जो सीएम है उन्होंने कहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, ये कोई जो है फिक्शनल चीज को उठा के इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया है, इसमें रियलिटी नहीं है. लेकिन दूसरी जानिब मूवी के ही डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये रियल बेस्ड स्टोरी है. देखिए रियल को तो रियल ही कहेंगे ना. हमारे हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में नासिर खान खादर खान ने एक फॉरेनर लड़की का रेप किया था, गैंग रेप किया था दो मुसलमान भाइयों ने मिलकर के अपने दोस्तों के साथ मूविंग कार में. ये तो रियल है ना. ये तो इसको जो बीजेपी के वो प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए अपोजिशन तो बोलेंगे ना, अपोजिशन तो बोलेंगे ना, मुसलमान को सेव करेंगे तो ही ना मुसलमान का 28% वोट मिलेगा. Okay. वो तो बोलेंगे. लेकिन रियल को तो हम रियल ही बोलेंगे ना. आप महविश नाज हैं, आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप तो अपने आप को पाकिस्तानी ही बोलिएगा ना. मैं नाजिया इलाही खान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं बहुत फख्र से बोलती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ. मैं अपने आप को हिंदुस्तानी ही बोलूंगी ना. तो जो रियल है उस पर तो पर्दा नहीं डाला जा सकता. नासिर खान बलात्कारी था, है और रहेगा. वो कलमा शरीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बलात्कारी से उसका नाम फहरिस्त से नाम हट गया. इस पूरे हिंदुस्तान में बलात्कारी 60% प्रिजन अंदर जेल में है, ये तो फैक्ट है. लव जिहाद की बात करें, तो ये चीज बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गई है, लोग बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं अब इससे, हर जगह फैलती जा रही है. पहले चंद इलाकों में होती थी, चंद जगह में कस्बों में होती थी, मगर अब ये बहुत तेजी से फैल रही है. इसको कैसे रोका जा सकता है और क्या वजह इसकी? देखिए इस पर तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने एक बहुत खूबसूरत कानून भी बनाया था, लव जिहाद एक्ट बनाया, रोमियो एक्ट बनाया उन्होंने. तो वहां पर उस एक्ट में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है और अगर दोनों को शादी करनी है तो वो भाग करके कहीं पर भी शादी नहीं कर सकते हैं. उन्हें अपने माँ बाप को बुलाना पड़ेगा, पहले थाना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताना पड़ेगा, वो पुलिस स्टेशन आ करके माँ बाप के दोनों तरफ के माँ बाप का स्टेटमेंट लेगा और तब फिर शादी हो सकती है अगर माँ बाप की रजामंदी है तो. ठीक है, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कानून बना. तो इस कानून से काफी चीजें शांति में आई उत्तर प्रदेश में. ये वो स्टेट मानने को तैयार नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है. जिस स्टेट में जहां पर सीएम कांग्रेस टीएमसी या किसी स्टेट वाइज सीएम है वो मानने को तैयार नहीं है. अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी शादी अगर एक हिंदू मर्द से कर दी जाए तो क्या आप सफोकेटेड नहीं होइएगा? प्यार मोहब्बत में आ जाइएगा, आने के बाद आप शादी कर लीजिएगा और फिर वो मर्द कहेगा कि जो बच्चा हुआ है वो मंदिर जाएगा, वो पाठ पूजा करेगा, आपको तो प्रॉब्लम होगा ना. आपको तो फिर आपको कहेगा कि आपको बुर्का पहनना पड़ेगा, फिर आपको कहेगा कि आपको 10 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे. तो हिंदू लड़कियों को भी तो प्रॉब्लम होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है ना. तो जो अगर जैसे मुसलमान मर्दों में एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं. लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात जो बनाए हैं और उन तमाम अशरफुल मखलूकात पर एक एक जिम्मेदारियां दी हैं जो आप सोसाइटी के पक्ष में करिएगा, जो आप सोसाइटी के रिफॉर्म होने के लिए करिएगा, जो आप अपने अपनी कौम के बेहतरी के लिए करिएगा. ये तो चीजें कुरान ने बताई है ना. जहां अगर ये सारे तमाम दाढ़ी टोपी वाले वाकई में कुरान मानते हैं तो सूरे अल बकरा का 221 नंबर वर्सेस क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर ये सारे दाढ़ी टोपी वाले कुरान को मानते हैं और ये सारे मुसलमान जवान जो लड़के हैं या मिडिल एज के जो मर्द हैं ये कुरान को फॉलो करते हैं तो फिर ये बलात्कारियों के अगेंस्ट में अगर कोई मुसलमान बलात्कारी होता है तो उसके अगेंस्ट में कोई मिचल मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट में क्यों नहीं देते हैं? आपने कभी सुना है कि विक्टिम के पक्ष में 50 मुसलमान मर्द एक साथ बाहर